आज तक के स्टूडियो में श्रद्धांजलि है फिल ह्यूज को, 26 साल के होते लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। इस वक्त सिडनी के पास मैक्सवेल, एक छोटा सा टाउन कह लीजिए, सबब कह लीजिए, वहां पर उनका फ्यूनरल सर्विस चल रही है, जहां पर दुनिया भर के क्रिकेटर्स दिग्गज जो है वो मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है वहां पर, भारत की तरफ से विराट कोहली, रवि शास्त्री, डंकन फ्लेचर, रोहित शर्मा शामिल हुए हैं, शेन वॉन, ब्रायन लारा, रिचर्ड हैडली, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, बड़े बड़े नाम वहां पर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबट भी हैं। आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें वहां की, और आज तक पैनल पर आप देख रहे हैं चेतन जी हैं, आरपी सिंह तेज गेंदबाज हमारे साथ हैं, प्रवीण कुमार मेरठ से, अतुल वासन, और साथ ही साथ सौरव गांगुली भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको ताजा तस्वीरें दिखाते हैं वहां क्या चल रहा है इस वक्त। Neil openly said to Philip that it would take hard work, dedication, tenacity, commitment, drive, and the ability to listen and learn to achieve this goal, and had one simple question for Philip: Are you ready for it? And without hesitation, Philip said yes. I'm so proud that Philip actually achieved this goal of playing for Australia, and indeed replacing the great Matthew Hayden. I was fortunate enough to be at Pratton Park when Philip made his grade debut for West second 11 in a one-day match. As I quietly sat on the grass, there are a number of West Side boys congregating close to the canteen. When Philip appeared from the change rooms, padded up and heading out to the middle, the comments started with the first, "Geez, he's small." The second, "Has he got the power to hit the ball off the square?" I had a quiet chuckle to myself at the time and thought, gee, this is going to be interesting. Philip moved to 10, then to the 20s, into the 30s, and passing 50 with controlled aggression. And with each boundary, he gained more and more respect from the old boys. As the innings progressed, the crowd started to build, with the majority of other grades finishing their matches and returning to Pratton Park to watch the little kid from the country bat. When he rose the bat for his century, there was a large applause, and listening to the now comments of the old boys, if I wasn't there previously, you would actually think that there was a 6-foot man batting in the middle, hitting every ball for four. I think this is a great example how Philip let his performance do the talking. Sourav Ganguly bhi jud gaye hain hamare saath. Dada, kuch der pehle studios mein baat chal rahi thi ki ek to Australian character ki baat hum kar rahe the ki itne mazboot the, एक साथी खिलाड़ी की मौत के बाद कितने कमजोर दिख रहे हैं। आरपी सिंह, प्रवीण कुमार, अतुल वासन, तीन तेज गेंदबाज हमारे साथ हैं, आपने भी थोड़ी बहुत तेज गेंदबाजी की है, ये बाउंसर का क्या होगा, क्या ये मानसिकता बनेगी कि जो गेंदबाज बाउंसर फेंकता है, एक्सेसिव बाउंसर फेंकता है, यार ये किसी की जान लेना चाहता है, ये दबाव रहेगा तेज गेंदबाजों पर? देखिए, ये समय ही बताएगा, लेकिन बाउंसर तो बंद नहीं होंगे, तेज गेंदबाजी भी चलेगी, थोड़े दिनों में भारत ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट श्रृंखला भी शुरू होगा एडिलेड में, तो बाउंसर इस गेम से बाहर नहीं होगा। कितने बाउंसर डालते हैं वो तेज गेंदबाजों के ऊपर डिपेंड करेगा और उनकी मेंटालिटी पे ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन गेम में ज्यादा तब्दीली नहीं होगी दादा। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई अगर क्रिकेटर्स की बात करें, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है। आरपी से बात हो रही थी, चेतन जी से बात हो रही थी, वो पर्थ का टेस्ट मैच याद आया हमें 2007-08 में, उससे पहले मंकी गेट हुआ था, वो मजबूत ऑस्ट्रेलियन जो था कमजोर पड़ गया, वो टेस्ट मैच हार गए। देखिए, वो और ये कंप्लीटली अलग चीज है, और पर्थ में भारत अच्छा क्रिकेट भी खेला था, पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी की और उन्होंने बड़ा स्कोर बनाया पर्थ के उस पिच के ऊपर, जो ज्यादा से ज्यादा भारतीय क्रिकेट में पहले नहीं होता था। वो सिचुएशन और ये सिचुएशन कंप्लीटली अलग है, ये एक दोस्त का मौत है, एक फेलो क्रिकेटर का मौत है जिसके साथ इतने समय तक खेले हैं। फिल ह्यूज ने 26 टेस्ट, 25 वनडे इन सब के साथ खेले हैं, और मैं ये चीज़ देख के बहुत खुश हूँ कि फेलो क्रिकेटर के लिए इतनी इज्जत, इतना कुछ करना, क्योंकि मुझे याद नहीं इससे पहले शायद एक दो या तीन प्लेयर्स डेथ हुआ था उनका ग्राउंड पर, रमन लांबा का डेथ हुआ था बांग्लादेश में मैचेस खेलते के समय, लेकिन एक अपने क्रिकेटर के लिए इतना इज्जत, इतना कुछ करना एक बहुत अच्छी बात है। क्रिकेट तो बड़ा गेम था ही, भारत में था, ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन ये जो क्रिकेटर्स ने जो चीज दिखाई है 7 दिन में और अगले 3-4 दिन में और बहुत कुछ देखने को मिलेगा,
इससे कि क्रिकेट का इज्जत और भी बड़ा है दुनिया के सामने कि प्लेयर्स खेलते हैं, प्लेयर्स ग्राउंड में लड़ाई करते हैं और ऑस्ट्रेलियंस बड़े शख्स से क्रिकेट खेलते हैं, उनके पास तेज गेंदबाज है, लेकिन अंदर से अंदर कहीं ना कहीं सब इंसान है और एक बहुत बड़ी इंसानियत की चीज हमें देखने को मिला है इस 6 और 7 दिन के अंदर, जो इस गेम के लिए बहुत बढ़िया है। और आरपी, जैसे दादा ने भी कहा, इस वक्त जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आपने वो दौरा किया था, एक एक कहते हैं ना कि दिन, एक एक घंटा जो है बड़ा कीमती होता है, आपको तैयारी करनी है, आपको अपने आप को अभ्यस्त करना है, एक्लिमेटाइज करना है कंडीशंस में। भारत ने भी बड़ी सेंसिटिविटी दिखाई है, उन्होंने अपना जो प्रैक्टिस मैच था वो कैंसिल कर दिया, उनको पता नहीं टेस्ट मैच कब शुरू होंगे, अब खैर 9 तारीख से होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि हम आपके साथ खड़े हैं। आमतौर पर इस विश्व क्रिकेट में भारत बड़ा बदनाम हो चुका है कि यार पैसा है, गुरूर है, बीसीसीआई जो चाहेगा कर लेगा, लेकिन यहां पर उन्होंने क्रिकेट के साथ खड़े होकर दिखाया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग उतना बदनाम, हम हमेशा क्रिकेट के साथ खड़े मिले, पूरी क्रिकेट कम्युनिटी, चाहे इंडिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सभी लोग उसके साथ है कि एक बहुत बहुत दुर्घटनापूर्ण घटना है ये कि एक हमने खिलाड़ी खोया है जो एक 25 साल का खिलाड़ी और बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर था और एक ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, किसी लिए फिर भी एज ए क्रिकेट जगत के लिए ये बहुत ही दुखद समाचार रहा है और हम लोग उसके साथ हमेशा खड़े रहे। पर हमें ध्यान देना चाहिए उस बॉलर्स की तरफ भी जिसके जो भी एक इस सदमे में है, उसके साथ भी हम लोग उतना ही खड़े हैं। चेतन जी, फिल ह्यूज के टैलेंट की बात की जाती थी, टैलेंट तो चला गया, परिवार के लिए ये जो नुकसान है बड़ी देर रहेगा, क्रिकेट कम्युनिटी के लिए अब कितनी देर ये नुकसान रहेगा? देखिए, ये चीज़ें समय के साथ साथ जो है, ये चीज़ें जो है, आदमी लाइफ हैज़ टू गो ऑन, यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ, तो आदमी को चलना पड़ेगा। मैं पूरी तरीके से जो परिवार है उनको, उनके प्रति तो पूरी तरीके से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, आई पे माई डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस टू दियम। उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका है और इतनी कम उम्र में, 25 और 26 साल की उम्र में कोई आदमी गुजर जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बड़ा नुकसान होता है, पूरे परिवार के लिए जो है बहुत बड़ा झटका है, लेकिन ज़िंदगी तो चलनी है और हमको चलते जाना है। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे जो है यादें रह जाएंगी, लेकिन लोग जो हैं मानसिक रूप से इससे उभर जाएंगे, जो भावुक हो गए हैं लोग वो उससे उभर आएंगे। हमको जैसे अभी सौरभ ने कहा कि देखिए, इंसान तो इंसान है, हम लोग सब लोग हार्ड मास के बने हुए हैं, हम लोग में सब में इमोशंस हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हों या अमेरिका में रह रहे हों, कहीं पर भी रह रहे हों, जब कोई इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो इंसानियत जो है वो बाहर निकल कर आती है। अतुल, हेलमेट पर भी बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपने जब क्रिकेट खेलनी शुरू की थी तो हेलमेट तो बड़ा अजीब सा होता था, कान होते थे, वाइजर नहीं था, फिर वाइजर बदलते रहे, भारी हेलमेट लाइट होते रहे, अब अल्ट्रा लाइट हो गए हैं। हेलमेट को सुधारने का स्कोप है या फिर जैसे आपने कहा ये फ्रीकिश इंजुरी थी, ये हेलमेट भी नहीं बचा सकती थी? देखिए, आपने सही कहा और मैं तो उन दिनों की बात याद करते हैं कि चेतन जी के टाइम पे और सुनील गावस्कर जो है 4-4 फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज में जिस तरह से जो पिचेस पे खेलते थे और तब भी क्रिकेट था। और लोगों को मुझे लगता है कि इस घटना से ये बात याद हुई कि क्रिकेट कितना डेंजरस है, ये लोगों को एकदम से ख्याल है, क्योंकि आप आजकल जो प्रोटेक्शन है, हेलमेट को छोड़िए, आप पैड्स और जो आजकल नई टेक्नोलॉजी है, नए मटेरियल्स आ गए हैं, उससे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। आप चेस्ट पैड पहनते हैं, इनर थाइज हैं आपके पास, जो पैडिंग है, जो आपकी लाइट है, पर प्रोटेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है, तो तभी तो बल्लेबाजों के दिल खुल गए एकदम और बिल्कुल ये बैटिंग गेम हो चुकी है। पहले आप हेलमेट से अपने चीक बोन्स को बचाते थे, जो सेंसिटिव एरियाज आपकी टेम्पल है, आपकी चीक बोन्स है, आपका स्कल है, पर अब पता लगा है कि जो नेक एरिया है वो भी बहुत डेंजरस है और मुझे लगता है कि अब नेक के ऊपर ज़्यादा फोकस आएगा कि जो एक्सपोज्ड एरिया है उसमें थोड़ा सा जो चांस है वो किस तरह से कम किया जाए, इसको बिल्कुल इंडेमनीफाई कर देना कि बिल्कुल चोट लगेगी नहीं, ये भी बिल्कुल एक जो खतरे का एंगल जो है वो क्रिकेट को ज़्यादा रोमांचक बनाता है मुझे लगता है जो प्लेयर्स हैं। और एज अ फास्ट बॉलर मैं आपको बताऊंगा कि जितना मर्जी कह लें, मुझे तो अगर फास्ट बॉलर्स कहेंगे मुझे हमें बल्लेबाजों को हिट करने में अच्छा लगता है, पर ये चाहता है कि कोई ज्यादा चोट ना लगे, क्योंकि वो जब दर्द होती है बल्लेबाज को तो वो अगला शॉट नहीं खेलता, उसे अपनी जगह पे लेके आना होता है। तो एक ये जो वेपन है कि आप बैट्समैन को हिट करें, और ये सभी जो बोलेगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता बैट्समैन को डराना या बैट्समैन को हिट करना, वो झूठ बोल रहा है। और पर ये भी बात है कि हम चाहते हैं कि किसी को इतनी सीरियस इंजरी रहो कि जिस तरह से ये घटना घटी है। नहीं, गेंदबाज को जब चौका लगता है तो भी दर्द होती होगी अतुल, और एंडी रॉबर्ट्स के बारे में कहते थे ना, 2 तरह के बाउंसर थे उनके पास, एक डराने के लिए, एक आउट करने के लिए। प्रवीण, हेलमेट
हेलमेट जो है आपके लिए एक डबल एज स्वॉर्ड है, इधर भी उधर भी। आप तेज गेंदबाज हैं, आज बल्लेबाज हेलमेट पहन लेता है, प्रोटेक्शन है, आप कहते हैं यार कमाल है, इसके पास स्किल नहीं है फिर भी ये डरता नहीं। दूसरी तरफ आप जब खुद बैटिंग करने जाते हैं तो आपको इस बात की गारंटी रहती है कि मुझे गेंद नहीं लगेगा। बिल्कुल, हेलमेट मेरे लिहाज से जैसे उसको बॉल लगा वो बहुत अलग तरीके से बॉल लगा, वहाँ बॉल अक्सर लगता नहीं है। तो मेरे तो यही कहना है कि और थोड़ा सा बना सकते हैं हेलमेट, जो बनाने वाले कंपनियां हैं उसको थोड़ा सा और पीछे से एक और वो लेयर बना सकते हैं उसमें। तो मेरा तो यही कहना है कि और थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें, किसी को चोट ना लगे, इतनी गंभीर चोट ना लगे। चोटें लगती रहती है, मेरे को भी बॉल लगा है एक बार, मेरी आँख पे बॉल लग गया था राइट आई पे, एट ए टाइम मेरी रोशनी चली गई थी, बीना में हम लोग मैच खेल रहे थे, स्टेट का मैच था, अंडर 19 समथिंग कुछ मैच था, तो मेरे को भी बॉल लगा है राइट आई पे। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा और प्रोटेक्ट करें वो उसको, शरीर को या चेहरे को या जो भी चीज़ है, तो कर सकते हैं वो लोग। मेरे भी छोटे हुए गेंद लगा है और आंख में मेरे अभी भी क्लॉट है। लेकिन आरबी, अभी आप राहुल द्रविड़ का एक किस्सा सुना रहे थे कि उन्होंने वाइजर पहना हुआ था, उसके बावजूद आपने बाउंसर फेंका, उनके वाइजर से शरीर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा मांस कट गया था। नहीं, वाइजर से थोड़ा नाक पे लग गया था और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि फ्रैक्चर हो गया था। बट अभी इतने सारे चेंजेस आए हेलमेट में, जब से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया अब तक, आई एम श्योर आगे भी चेंजेस आते रहेंगे क्रिकेट इक्विपमेंट में, ताकि सेफ्टी और हमारी बढ़ती रहे। ऐसा नहीं कि मतलब हम पैसा नहीं कह सकते कि परफेक्ट हेलमेट है, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं और मुझे लगता है ये भी टाइम आ गया, थोड़े बहुत चेंजेस और ज़रूरी हैं ताकि और सेफ्टी बढ़ सके हमारी। और कप्तानों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है ना, क्रिकेट को कंट्रोल कैसे करते हैं। वो शायद 59 का इंसिडेंट है, फ्रैंक वॉरन वेस्ट इंडीज़ के कप्तान थे, उनकी टीम भारत आई, अमृतसर में 3 दिन का मैच था जहां पर स्वर्ण सिंह भट्ट जो कि फ्रैंक वॉरन के दोस्त थे, ऑक्सफोर्ड में उनके साथ पढ़ते थे, रॉयल गिलक्रिस्ट ने बीमर मारा और उन्होंने मना किया, अब बाउंसर बीमर नहीं फेंकना, रॉयल गिलक्रिस्ट ने एक और बीमर फेंका, स्वर्ण सिंह भट्ट गिर गए और फ्रैंक वॉरन ने उसके बाद रॉयल गिलक्रिस्ट को जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेलने दी, वो उनकी आखिरी गेंद थी। देखिए कप्तान के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए रूल है, मैं फिर वही कहूँगा, मैं ये नहीं कि फास्ट बॉलर्स का पक्ष ले रहा हूँ, ओपनिंग बैट्समैन में देखिए, ओपनिंग बैट्समैन रहा हूँ मैं, तो चैलेंज है। पहले तो हम लोग बिना हेलमेट के खेलते थे, देखिए अब थोड़ा सा क्या हो गया है कि जब से ये हेलमेट भी आ गया है तब से जो बैट्समैन है ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि बॉल तो लगना लिए, जो डर था, जो चोट लगने का था वो डर जो है समाप्त हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, थोड़ी सी टेक्निक भी थोड़ी बैट्समैनों की कम हो गई है और इसीलिए बॉल जो है हेलमेट पर बहुत लगने लगे। हम लोग जब खेलते थे तो सबसे पहले होता था कि आपको अपने आप को बचाना है, तो टेक्निकली यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर टेक्निक। दादा ये बात है आपने वनडे में सलामी बल्लेबाजी की है, टेस्ट क्रिकेट में मध्यक्रम में खेले, 70s 80s जहां पर बल्लेबाज हेलमेट कम पहनते थे, सुनील गावस्कर को जिंदगी में बॉल नहीं लगा, उसके बाद हेलमेट आया, कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को 8-8, 10-10 बार गेंद लगा हेलमेट पे, स्किल नीचे गई है ये देखते हुए कि चलो हेलमेट तो है। देखिए एक सेटिस्फैक्शन तो है, एक मेंटल सिक्योरिटी तो है कि हेलमेट है सर पे और हर बॉल पे चोट नहीं लग सकता। अगर तेज गेंदबाज हो तो उन पे गेंदबाजी पे चोट लग सकता है, लेकिन मीडियम पेस गेंद पे भी चोट नहीं लगेगा, तो ये एक सिक्योरिटी है बल्लेबाजी के लिए। और मैं दाद देता हूँ गावस्कर के ज़माने की, चेतन चौहान के ज़माने की, जब हेलमेट्स नहीं होते थे और वो गेम की बल्लेबाजी करते थे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट बहुत बदल चुका है, तो ये चीज़ें होगी। देखिए डेंजर हर स्पोर्ट्स में रहेगा, फुटबॉल में होगा, क्रिकेट में है, मोटो रेसिंग में है। देखिए माइकल शूमाकर एक थोड़ा सा गिर गया, वो कोमा में चले गए, तो जिंदगी में ये चीज़ रहेगी, क्रिकेट में भी ये रहेगा। जितने भी अगर आप हेलमेट सही कर लो, जितने भी प्रोटेक्शन सही कर लो, कहीं ना कहीं एक रिस्क रहता है, क्योंकि वो जो लाल बॉल है वो सख्त है और वो मार भी सकता है लोगों को। हमने फिल ह्यूज के समय देखा, रमन लांबा को देखा, और ये चीज़ रहेगा। मैं सहमत हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खाने लगे हैं सर पे या बॉडी पे, और पहले भी शायद होता था और उतनी रिपोर्टिंग नहीं होती थी। अगर कुछ गहरी चोट होता था तो शायद लोग कहते थे यार बॉल लगाए सर पे, इनका ये हुआ है, सर फूटा या उनकी मौत हुई है। तो ये चीज़ गेम में होगा और किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा। फिल ह्यूज का नाम लिखा था, ऊपर जाने के लिए समय आ गया था उनका और इसीलिए वो गए, तो ये चीज हर स्पोर्ट्स में रहेगा, इसको आप कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते। सही कहा आपने दादा, लेकिन जिसकी जिंदगी क्रिकेट थी और जिसकी जिंदगी अभी क्रिकेट बननी थी, उसने तो नहीं सोचा था कि ये लाल गेंद मेरी जान ले लेगा। 63 नॉट आउट, 63 नॉट आउट, क्योंकि उस वक्त वो बैटिंग कर रहे थे, 63 नॉट आउट। आप क्रिकेट के किसी भी अब फैन से बात कर लें उसको पता क्या है, 408 उनका
कैप का नंबर था, टेस्ट क्रिकेटर 408 थे वो ऑस्ट्रेलिया के, वो नंबर भी जो है अमर हो गया है। मैक्सवेल में इस वक्त फिल ह्यूज के जो भाई थे जेसन ह्यूज, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। अंत में उन्होंने ये कहा है कि इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर, आई मिस यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फिल ह्यूज जब तक हमारे बीच थे शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मैं क्रिकेट जगत के लिए इतना बड़ा बिंदु बन जाऊंगा, केंद्र बिंदु बन जाऊंगा मेरी मौत। उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए जब हजारों रन बनाऊंगा तो दुनिया में मेरा नाम होगा। लेकिन फिल ह्यूज ने पूरी क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। मैक्सवेल में ये फ्यूनरल चल रहा है, सीधा प्रसारण आप आज तक पर देख रहे हैं, और आज तक पर बड़े क्रिकेटर्स बैठे हैं। न सिर्फ फिल ह्यूज को हम याद कर रहे हैं बल्कि आगे क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का क्या होगा, क्या ये खिलाड़ी टेस्ट मैच खेल पाएंगे, हेलमेट में क्या और सुधार की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात तेज गेंदबाजों के जहन में क्या चलता है, अब क्या वो बाउंसर फेंकेंगे, कितना वक्त लगेगा। तेज गेंदबाजों की बात हो रही है तो आरपी सिंह भारत के तेज गेंदबाज हमारे साथ स्टूडियो में है, खास मेहमान है प्रवीण कुमार भारत के तेज गेंदबाज, ये अपने घर मेरठ से हमारे साथ है, और साथ ही साथ अतुल वासन तेज गेंदबाज थे और क्रिकेट एक्सपर्ट थे, दोनों लहजों को समझते हैं, और साथ ही साथ भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और चेतन चौहान दोनों हमारे साथ हैं। दादा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए क्या 9 तारीख को टेस्ट मैच, आज 3 तारीख है, 6 दिन का और वक्त, क्या वो मेंटल बैलेंस जिसकी बात माइकल क्लार्क कर रहे हैं कि मेरी टीम मेंटली बैलेंस्ड नहीं है, क्या वो मेंटली बैलेंस्ड हो जाएगी, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जो खिलाड़ी नहीं खेलना चाहता वो अभी भी ऑप्ट आउट कर सकता है। देखिए, मेरे हिसाब से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सही चीज की है कि ऑप्शंस प्लेयरों के ऊपर दिए कि अगर तुम चाहते हो कि खेलो नहीं तो हम दूसरे प्लेयर्स लेंगे। देखिए, 6 दिन बहुत समय होता है, आज फ्यूनरल खत्म हो जाएगा, फ्यूनरल के बाद सब अपने आप घर चले जाएंगे, तो धीरे धीरे ये भी कम होता जाएगा, ये जो फिल ह्यूज के लिए जो सिंपथी, जो प्यार और जो चीजें देखने को मिली है 4-5 दिनों में वो तो कम होता जाएगा, और नॉर्मलिटी वापस आएगी लोगों की जिंदगी में, माइकल क्लार्क की जिंदगी में, बाकी सारे प्लेयरों की जिंदगी में। तो इस समय उनके लिए कहना मुश्किल होगा कि 6 दिन के बाद उनका मानसिक अवस्था कैसे रहेगा, बट मुझे लगता है कि ये सारे टेस्ट मैचेस खेलेंगे, क्योंकि 9 तारीख में अभी बहुत समय है, और कहीं ना कहीं जैसा चेतन पाजी ने कहा कि जिंदगी को आगे बढ़ाना है, लाइफ हैज टू गो ऑन, और इनके लिए जिंदगी आगे बढ़ेगा, और एडिलेड में मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी शक्ति से खेलेगा।